ओम, आप सभी को नमस्कार। सुप्रभातम, एक बार फिर हाजिर है आपका अपना चैनल YouTube चैनल हैप्पी लाइफ विद योग गुरु। आज हम एक्यूप्रेशर के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। आशा है आप उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और एलोपैथी दवाइयों से बच पाएंगे। एलोपैथी एक केवल और केवल दबाव बनाती है बस मस्तिष्क के ऊपर, यहाँ और कोई इलाज नहीं करती। प्रयोग का नाम एलोपैथी चिकित्सा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, अगर आप इन्हें जीवन में अपनाएंगे तो निसंदेह रूप से आप प्रतिदिन स्वस्थ हो पाएंगे और आपका शरीर भी खराब नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे समझे अगर हिंदी भाषा में आपको समझाए, पांच तत्वों से ये पूरी प्रकृति बनी है और पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। जानेंगे कैसे, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। जैसे ये माने आपने पहले भी देखा होगा, जैसे मेरा ये पंजा है, अगर ये मिल जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरी प्रकृति है। अगर अलग अलग हो जाए तो ये सारे अलग अलग तत्व समावेश हो जाएंगे, अपने अंदर समाहित हो जाएंगे। जाने अंगूठा, ये अंगुष्ठ है, अंग्रेजी में थंब भी बोलते हैं, ये परिचायक है हमारे अंदर। कौन से तत्व का करता है ये करता है अग्नि तत्व का। तो जब भी हमारे सर में कभी भी गर्मी से दर्द हो, नींद से दर्द हो, तो आप इस अंगूठे के नाखून के नीचे से, इसके ये पॉइंट होता है इसका, इसे दबाएं, दोनों अंगूठों के नीचे दबा लें, दो दो मिनट, एक एक मिनट, जितनी देर भी संभव हो सके, तो आपका गर्मी के कारण जो भी दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। आगे वाली उंगली तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, जो इंगित करती है इधर उधर, ये वायु तत्व का हमारे अंदर प्रतिनिधित्व करती है। यदि गैस संबंधी कोई भी समस्या हो हमारे अंदर, तो आप इस पहली उंगली के नाखून के नीचे से ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप इसे दो दो मिनट दबाएं, तो निसंदेह रूप से आपको वात रोग में इसमें लाभ मिलेगा। और यदि गर्मी से हमारे शरीर में, जैसे गर्मी भी बन गई, कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के कारण गैस बनती है, पित्त में ज़्यादा पित्त ज़्यादा बनती है, एसिडिटी, खट्टी ढकार आती है, तो वात और गर्मी दोनों के समाहित होने से, ज़्यादा होने से, अधिकता उसकी ज़्यादा होने से हमारे अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जो है अंगूठे के और पहली उंगली तर्जनी, इसके बीच का ये जो भाग है, नरम भाग, कोमल भाग, दर्द भी होगा इसको दबाने से, तो इसको एक बार दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दो दो मिनट तक दोनों हाथों के, ये देखिए ये जो हाथ है, इसके बीच का मध्य का जो सेंटर, जहाँ से ये इसकी जड़ और अंगूठे की जड़ मिलती है, वहाँ से आप इसको दबाएं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आता है तीसरा तत्व, आकाश तत्व। ये मध्यमा मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर भी जिसको बोलते हैं, मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे मेरे शरीर में कोई भी खाली स्पेस है, खाली जगह है, तो वो क्या है, आकाश। हमें उसकी भी आवश्यकता है। जैसे मानो हमें भूख है चार रोटी की और खा लेते हैं हम 10 रोटी, तो बीच में स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो मुड़ेंगे कैसे, शरीर में जकड़न पैदा हो जाएगी। इस प्रकार स्पेस की कोई भी कमी हो, तो इसको मध्यमा उंगली के नाखून के नीचे से दोनों को धीरे धीरे आप दो दो मिनट तक दबा लें, तुरंत आपको जो है ढकार आएगी, अपान वायु का विसर्जन होगा, तो इसलिए आपके पेट में भी राहत मिलेगी और भोजन भी जल्दी से हजम हो जाएगा। अब अगली उंगली पर आते हैं, अनामिका, अंग्रेजी में इसका नाम होता है रिंग फिंगर, वैसे अनामिका, जैसे इसे तिलक भी लगाते हैं, और ये दोनों ये प्रतिनिधित्व करती है हमारे अंदर पृथ्वी तत्व का, क्योंकि पृथ्वी तत्व का स्थूल भाग ज्यादा है हमारे शरीर में, मांस, हड्डी, रक्त, मज्जा, ये जो है रोम, ये सारी चीज है पृथ्वी तत्व के समावेश से। तो पृथ्वी तत्व के संबंधित जितने भी रोग होते हैं, रक्त विकार होना है या एलर्जी होनी है, बाल का ऐसा में झड़ना है, तो ये सारी चीजें, खारिश है, खुजली है, ये चीजें होती हैं पृथ्वी तत्व से। आप पृथ्वी तत्व के जो इस पॉइंट को नीचे से, अनामिका के नीचे से, इस दोनों उंगलियों को दो दो मिनट तक आप इसे प्रेस करें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं, तो ये सारा प्रेशर आपके अंदर समाहित हो जाएगा और तुरंत आप आराम मिल पाएगा, आपको तुरंत आप इससे आराम महसूस कर पाएंगे। अगला तत्व आता है हमारे अंदर, पांच तत्वों के अंदर अगला जो है नेक्स्ट है जल तत्व। जल तत्व आपकी छोटी उंगली में समावेश है, तो जल तत्व का कोई विकार हो जाए, गर्मियों में पानी की कमी ले गई, या बहुत ज़्यादा प्यास ले, बहुत ज़्यादा कम प्यास लगती है, या जल का कोई भी कमी हो जाए, तरलता हो जाए, तो आपने यदि तरलता की कमी होती है शरीर में, त्वचा में, तो खुश्की आनी शुरू हो जाती है। तो खुश्की की दूर करने के लिए या जल संबंधी कोई विकार दूर करने के लिए, ये जो छोटी उंगली, कनिका, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, इसके नाखून के नीचे से दो दो मिनट दबाएं, तो ज़्यादा आपके बहुत लाभ मिलेगा। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क का ये यहाँ अंदर का भाग होता है,
जो हमारे विचारों में सौम्यता लाता है, उस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए हथेली के बीच में, बिल्कुल ये पॉइंट आपके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। दोनों हाथों के बीच के पॉइंट को आप इसे दबाएं, और यदि लकवा पैरालाइजिस आता है तो भी गाय का घी लीजिए और यहाँ दाई हथेली के मध्य में रखिए, इसको दो दो मिनट तक अच्छे से घुमाएं, फिर इसको घुमाएं अच्छे से और दो दो बूंद नाक में डालें प्रतिदिन, बहुत लाभ होगा। तो आशा है आपको ये जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको पसंद आएंगे, और आशा मेरी एक और विनती भी है, आप अपने जीवन में ये निसंदेह रूप से प्रतिदिन उतार लें। यदि आप योग प्राणायाम आदि से आप अपने जीवन को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे निसंदेह रूप से, और कोई अन्यथा विकार आपके शरीर में नहीं आएगा, क्योंकि एलोपैथी रोगों को दबाती है, उनको ठीक नहीं करती, और योग प्राणायाम आयुर्वेद औषधि ये घर की चीजें, घर की रसोई की आपकी सामग्री, ये आपको स्वस्थ रखने में निसंदेह रूप से शीघ्रता से कारगर साबित होंगी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आपको ये आज का एक्यूप्रेशर पॉइंट पसंद आएगा। हैप्पी लाइफ विद योग गुरु, ये आपका तीसरा पार्ट है इस, कुछ आगे आगे जैसे जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही प्रसिद्धि आपकी अपनी और प्राप्त होगी, और उतना ही मन अंदर से और उत्साहित होगा, और ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे पाऊँ, इसके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ओम।